नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो फुलेरा हम बनाते हैं उस पांच समय की पूजन होने के बाद, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, पांचवी आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में, जब भगवान देवदिव्य महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए। और फुलेरे के जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती, ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाती, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया जाए। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है, तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंदर लगा सकते हैं। महाराज, पांचवी पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में, जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाए, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हे माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ, ऐसी कृपा करना, हमने भी हरताली का तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बना कर रखे। प्रणाम कर कर हरताली का तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखे, जो नदी तालाब बावड़ी जहां विसर्जन करते हैं वहां। जो फुलेरा हमने ऊपर बांधा है, उस फुलेरे में माला किसी भी फूल की लगाएं, पत्तियां कोई सी भी लगाएं, और शिव जी की आराधना कर सुबह जब विसर्जन करें, आरती पूजन हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, माता का सब पूजन शिव जी का पूर्ण हो जाए, तब आखिरी में फुलेरे को उतारें। जब शिव का विसर्जन करें तो उसी फुलेरे के फूल पत्ती को विसर्जन करें, डलिया को नहीं, डंडे या बांस की जो तुमने चौकोर बनाई या गोल बनाई उसका विसर्जन नहीं करना। किस चीज का विसर्जन करना है? जो माला लगाई है, जो फूल लगाए हैं, जो पत्तियां लगाई हैं, उसको फुलेरे में से निकाल लेना है, उस फूल का, उन पत्तियों का विसर्जन करना। डलिया का, जो डलिया रहती है या जिसके ऊपर तुमने बांधा है, डंडी हो या बांस हो या बांबू हो, उसका विसर्जन नहीं करना, केवल फूल और पत्ती को निकाल कर फुलेरे में से शिवजी के साथ उसका विसर्जन।